नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हरिजोन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। इसके पहले मैंने टाइमली रिवॉल्व का वीडियो अपलोड किया था, उसको आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए थैंक यू। अभी मैं इसका एनिमेशन करके आपको दिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्ट ये वर्किंग कैसे करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं इसकी थियरी बता देता हूँ, फिर इसके एनिमेशन की तरफ जाते हैं। थियरी में क्या है कि आपका एक जो टाइम डिले वॉल्व है उसमें तीन यूनिट्स होते हैं। एक होता है एफसीबी विद चेक वॉल्व, एक होता है रिजर्व वायर और एक होता है 3/2 डीसीबी वॉल्व। तो पहले क्या होता है, आपका पंप का जो कनेक्शन है यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ से अगर ऑयल या एयर जाती है तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी, वो आगे सिलेंडर की तरफ नहीं जाएगी। एट द सेम टाइम जब एयर या ऑयल यहाँ से जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ से वो जाएगा, यहाँ पे क्या चेक वॉल्व है तो यहाँ से वो रिजर्व वायर की तरफ जाएगा। एट द सेम टाइम आपका जो मीडियम है वो यहाँ से निडल से यहाँ से भी पास होगा। आप ये निडल का जो फ्लो है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो क्या होगा, अगर कंसिडर कर आपने इसको एडजस्ट किया है तो क्या होगा, पहले आपका जो कुछ भी मीडियम है यहाँ से रिजर्वायर में जाएगा। रिजर्वायर में सफिशियंट प्रेशर बिल्ड होने के बाद वो क्या करेगा, ये जो आपका स्पूल है स्पूल को ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद स्प्रिंग का प्रेशर अगर ओवर कम होता है तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और फिर ये जो पंप का कनेक्शन है, ये आपका जो इधर से जो भी एक्चुएटर है उसकी तरफ वो कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा ये उसका वर्किंग है। रिटर्न स्ट्रोक में क्या होता है वो एनिमेशन में देख लेते हैं। अभी मैं एनिमेशन स्टार्ट कर देता हूँ। अभी यहां से मीडियम आया आपका, वो आपके फ्लो कंट्रोल वाल्व की तरफ भी गया, एट द सेम टाइम आपके चेक वॉल्व थ्रू भी रिजर्वायर में आया। रिजर्वायर में प्रेशर बिल्ड होने के बाद क्या हुआ, उसने स्पूल के ऊपर अभी प्रेशर अप्लाई किया तो स्पूल राइट साइड को शिफ्ट हो गया। जैसे राइट साइड को शिफ्ट होता है तब क्या हो रहा है, आपका जो मीडियम है यहाँ से यहाँ तक आया, फिर वो एक्चुएटर की तरफ गया आपके। ठीक है, अभी ये जो स्प्रिंग है वो ऐसे ही कॉम्प्रेस होके रहेगी, मतलब ये जो स्पूल है आपका, ये स्पूल क्या होगा, यही डायरेक्ट यही साइड रहेगा जब तक यहाँ पे आपके रिजर्वायर में प्रेशर बिल्ड है। ठीक है, अभी क्या होता है देखो, नेक्स्ट कंडीशन में इसके, ये नेक्स्ट कंडीशन है इसका। अभी क्या हो गया कि इधर का जो आपका डीसी वॉल्व था या इधर का जो सप्लाई था वो कट हो गया। तो कट होने के बाद क्या हुआ, ये जो रिजर्वायर में जो मीडियम था आपका वो क्या हुआ, यहां से तो नहीं जाएगा वो। यहां से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहां से ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है, क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो आपका जो मीडियम है ऑयल या एयर उसको जाने के लिए एक ही रास्ता है यहां से। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने फ्लो जैसा फ्लो कंट्रोल वॉल सेट किया है वैसे धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से मीडियम लीक होता जाएगा। यहाँ पे अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्पूल लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा और आपका वापस से ये जो पंप का जो कनेक्शन है वो ऑफ हो जाएगा। तो इसका अभी देखते हैं इसका वर्किंग कैसा है। पहले देखो, यहां से ऑयल आ रहा है आपका, यहां से ऑयल आने के बाद पहले तो इधर का प्रेशर कम हो गया ये साइड का, तो इसने क्या कर दिया, स्प्रिंग ने क्या कर दिया, ये स्पून को लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर दिया। जैसे ही लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर दिया तो देखो क्या होता है, इधर का ऑयल यहां से नीचे जा रहा है। एट द सेम टाइम ये भी ये सर्कल इधर गया, अंदर का वॉल एलिमेंट इधर गया, तो क्या होगा, वो यहां से ऑयल आगे नहीं जाएगा। और फिर आपका जो एक्चुएटर की तरफ जो ऑयल गया था वो क्या होगा, यहां से ऐसे टैंक की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ऐसा ये टाइम डिले वॉल था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।